दोस्तों हमारे लिए आज इस बुक में से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है और आपके लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है तो लास्ट तक जरूर देखिए इस वीडियो को अन अकाडमी की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आपके लिए I'm sure आप जीत सकते हैं चार करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप कैसे मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में जरूर देखिएगा हम जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं वो है सेक्शन नंबर डी यानी इंडियन पॉलिटी को फोकस किया जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो में तो हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर सिक्सटी के साथ में तो बुक के अंदर क्वेश्चन सिक्सटी है इस वीडियो का पहला सवाल क्वेश्चन आपके सामने है Deekhi, है द क्वेश्चन इज अबाउट एंटीसिपेटरी एंटीसिपेटरी बिल बिल देखिए जो वो कई वजह से चर्चाओं में रहा है और अभी भी रिसेंटली भी अगर आप देखोगे एंटीसिपेटरी तो बिल anticip, जो है सुशील कुमार जो हमारे रेसलर हैं उनके विद रिस्पेक्ट टू एंटीप एंटीसिपेटरी बिल भी एक बार दोबारा न्यूज में आई है लेकिन जिस टाइम पे मैंने क्वेश्चन बनाया था उस टाइम पे जो है आपके कुछ और केसेस थे जिसे उसमें से वन ऑफ द केसेज बहुत निर्भया निर्भया केस में भी एंटीसिपेटरी बेल का आया था और उसके बाद भी दो तीन क्रिमिनल केसेस थे जहां पे ये पर्टिकुलर टाइप की बेल मेक हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर द इंटोग्रेशन इंटेरोगेशन बाय द पुलिस ऑफिसर एज एंड वेन यानी अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए तो आपको हमेशा अवेलेबल रहना होगा अम um,

जो स्टेटमेंट आपको लगती है करेक्ट है उसके लिए आप वीडियो को और वीडियो को को कीजिए पॉज पॉज और करके कमेंट सेक्शन बॉक्स में नीचे जो है आप अपना आंसर लिखिए 66 और उसके आगे ए बी सी डी जो भी आपको इसमें सही लगता है आप बताइए मुझे तो अभी तक अगर आपने आंसर दे दिया है तो लेट मी टेल यू गाइस इसका राइट right आंसर यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल मिलने के बाद फर्स्ट और थर्ड तो सही है आपके दोनों प्रोविजन लेकिन वो इंसान इंडिया छोड़ के नहीं जाया जा, जा सकता उसका जो पासपोर्ट है वो रहता है अथॉरिटीज के पास और इंडिया से बाहर जाने की परमिशन उसको नहीं मिलती ये एंटीसिपेटरी बेल का रूल होता है और एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत हिंदी में कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ये होता है कि आपको अरेस्ट अगर आपको लगता है कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है तो बिफोर अरेस्ट अरेस्ट होने से पहले ही आपकी बेल हो जाती है तो ये प्रोविजन होता है एंटीसिपेटरी बेल का तो आंसर हो जाएगा आपका बी वन एंड दैट टेक्स अस टू द क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे भी बेल के बारे में बात की है है लेकिन दो अलग टाइप की बेल है एक इंट्रिम बेल और एक रेगुलर बेल आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है इंट्रिम बेल होती है इज टू रिलीज अ पर्सन हु इज ऑलरेडी अंडर अरेस्ट एंड केप्ट इन पुलिस कस्टडी रेगुलर बेल इज ग्रांटेड फॉर टेम्पररी शॉर्ट पीरियड बाई द कोट बताइए कौन से स्टेटमेंट इन दोनों में से करेक्ट है आंसर चूज कीजिए ए बी सी डी और आंसर आपको फिर से एक बार वीडियो पॉज कीजिए और कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा इसे क्वेश्चन आपको बहुत काम आएंगे बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस आपकी होगी अगर आप इस पूरी बुक को परचेज करना चाहते हैं तो टू फोर्टी नाइन रुपीज में बुक अवेलेबल है अमेजोन और फ्लिपकार्ट जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है तो यहाँ पे राइट right आंसर आपका क्या होगा राइट आंसर देखिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है एक्चुअली दोनों स्टेटमेंट्स को इंटर एक्सचेंज किया हुआ है है तो बेसिकली वो होती है, जो पीरियड के लिए शॉर्ट टर्म मिलती है रेगुलर बेल होती है है पे आदमी को हम जो बेल है, देते हैं बीच में जो ऑलरेडी अंडर अरेस्ट होता है पुलिस कस्टडी में होता है तो so, दोनों स्टेटमेंट को एक्चुअली मैंने एक्सचेंज कर दिया था तो so, यहाँ पे आंसर आपका होगा डी नन ऑफ दी अब बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट ध्यान इस तरह के क्वेश्चन अगला सवाल एक गवर्नमेंट स्कीम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन ये काफी योजना है दोस्तों काफी रिसेंटली न्यूज़ में रही थी आपको बताना है कि कौन सी करेक्ट होगी तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है कहती है श्योर्ड मंथली पेंशन ऑफ रुपीज थ्री थाउजेंड पर मंथ टू वर्कर नंबर टू वर्कर्स ऑफ ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों के जो है वो एलिजिबल होंगे इस प्रधानमंत्री मानधन श्रम योगी मानधन योजना के लिए और तीसरी स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनिएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इज द नोडल एजेंसी मिनिस्ट्रीज का काफी ख्याल आपको रखना है राइट आंसर बताइए आपका आंसर क्या होगा इस स्टेटमेंट में गाइस वही वीडियो को कीजिए पॉज और कमेंट सेक्शन बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा वेल इस केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राइट right आंसर की जहां तक बात है सेकेंड स्टेटमेंट आपकी गलत है तो आप सिंपली एलिमिनेट कर सकते हैं बाकी सारे ऑप्शंस राइट right आंसर आपका होगा ए क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है ये सिर्फ और सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बनाई गई है अनऑर्गेनाइज है हमारे देश का इनफॉर्मल इकोनॉमी ठीक है जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है हमारे देश में जो टैक्स पे नहीं करती टैक्स तो खैर पे टैक्स की पे बात नहीं है जिनको लेबर लॉस के बेनिफिट पूरे नहीं मिलते जैसे जिनको जॉब सिक्योरिटी इंश्योरेंस लिमिटेड फिक्स्ड वर्किंग आवर्स अगर ज्यादा काम कर रहे हो तो फिर ज्यादा पैसा मिलेगा वो सब प्रोविजन इन पे लागू ज्यादा नहीं होते ऑर्गेनाइज जो है फॉर्मल इकोनॉमी जो है उसको ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं तो यहाँ पे उनके तो ऑलरेडी बेनिफिट है ये प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बनाई गई है तीन हजार रुपये पर मंथ यहाँ पे वर्कर्स को दिए जाएंगे सरकार की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और इसमें भी एक एज लिमिट आप देख लीजिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के होंगे और 18 से 40 साल की उम्र तो दोनों ही फैक्ट्स जो है आपके लिए जरूरी है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि जो सोशल सिक्योरिटी बिल है उसका एम है दोस्तों यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट फॉर द कंट्रीज एंटायर वर्कफोर्स Number 2 it includes a constituting special purpose vehicles. Number 3 it also seeks to expand the sources of the fund for various scheme under the code to include the fund from corporate social responsibility, better known as CSR. कौनसे statement सही होगा आपको बताना है इस particular social security bill के बारे में आप answer आना चाहिए 15 second का समय लीजिए 15 second के लिए video कीजिए pause बताइए क्या होगा इसका right answer तो अगर आपने आंसर दे दिया है इस तो मैं आपको बता दू यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वही यहाँ पे गलत है तो फर्स्ट गलत होने की वजह से आप सारे के सारे ऑप्शन देखिए सोशल सिक्योरिटी बिल जो लाया गया है इसका पर्पज है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देना लेकिन हमारे देश की एंटायर पूरी की पूरी वर्क फोर्स को आप ये बेनिफिट नहीं दे सकते पूरी वर्क फोर्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है जहां तक बात वर्क फोर्स की है तो इसमें कम से कम 50 करोड़ वर्कफोर्स इंक्लूडेड है उसमें भी स्पेसिफिकली मेडिकल पेंशन डेथ डिसेबिलिटी सारे के सारे जो बेनिफिट है वो 50 करोड़ 50 करोड़ वर्कफोर्स को दिया जाएगा दैट डज नॉट मेक द एंटायर वर्क ऑफ इंडिया तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज डेफिनेटली नॉट करेक्ट सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इट टू बी बी यानी सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट होगी ठीक है ना तो इसमें टू एंड थ्री आपके सेकेंड एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट ये बात पॉइंट आप याद रख लेना बिल्कुल कि जो सोशल सिक्योरिटी बिल है इसका परपज इसका इंक्लूड करता है स्पेशल व्हीकल को और ये एक्सपैंड करता है सोर्सेज ऑफ द फंड अलग अलग स्कीम्स के अंदर डाली गई है और इनफैक्ट जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सी एस आर सी एस आर क्या होता है भाई अगर आप जानते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है तो इसका आंसर मुझे जरूर कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिएगा So, आखिरी क्वेश्चन दोस्तों बताइए सुमन स्कीम जो है वो किस चीज से एसोसिएटेड है आपके पास चार ऑप्शन क्वालिटी सभी में है लेकिन किसका क्वालिटी काल एल्डरली पीपल या फिर बच्चे जो छह से चौदह साल के बीच में है? अब ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपको आना चाहिए ये मैंने मेरे न्यूज़पेपर में भी कवर कराया है और दोस्तों अगर आप डेली न्यूज पढ़ना चाहते हो मेरे साथ तो डेली न्यूज एनालिसिस बिल्कुल फ्री न्यूज एनालिसिस होता है अन अकेडमी के ऊपर सुबह ग्यारह बजे आप उसे भी जाकर के अटेंड कर सकते हो वेल द राइट आंसर इज ए क्वालिटी हेल्थ केयर टू उसी के लिए जो है उसकी ये सुमन स्कीम जो है आपका रखी गई है तो आपको ये पॉइंट याद रखना है दोस्तों यूनियन uh, गवर्नमेंट जो है हमारी उन्होंने लॉन्च किया है सुमन सुमन का फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा सुरक्षित अभियान अगर आपको सिर्फ याद रह जाता तो भी द प्रेग्नेंट लेडी आपको जो है याद रह जाता है, इसमें प्रेग्नेंट भी है और new, new mothers भी है, भी सबसे बढ़िया बात है सुमन के अंदर सिर्फ और सिर्फ और बिल्कुल जीरो प्रेग्नेंट वुमेन नहीं नई मदर्स और न्यू बोर्न इनको भी कवर किया गया तो ये थे दोस्तों आज के पांच एमसीक्यूज जो हमने अभी डिस्कस किए और अगर आप बहुत सारे करंट अफेयर्स पूरे साल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करना चाहते हैं एक वन स्टॉप चाहते हैं हैं दोस्तों ये जो दो बुक्स इन बुक्स में से कम से कम सेवेंटी परसेंट ट्वेंटी ट्वेंटी का पेपर आया था आप चाहें तो इन बुक्स को जाकर के देख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ स्कैन कोड करके भी परचेज कर सकते हैं ये भी बुक जो है दे आर वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक एंड आई एम श्योर यू विल लव यूज टू एंड दोस्तों uh, एक खास बात एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफर बड़ा ऑफर आप लोगों के लिए अब अन अकेडमी के ऊपर अगर आप जीएस के साथ अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी सब्सक्राइब तो ट्वेंटी फाइव परसेंट आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और 10 परसेंट उसके ऊपर एक और डिस्काउंट मिलेगा जिसके लिए आपको यूज करना होगा एक रेफरल कोड और वो रेफरल कोड है आशीष मलिक जी हाँ इस रेफरल कोड को अगर आप यूज करेंगे सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे ना सिर्फ एक्स्ट्रा डिस्काउंट बल्कि आपके लिए लोन भी आप अप्लाई कर सकते हैं जीरो परसेंट इंटरेस्ट जीरो परसेंट प्रोसेसिंग फीस पे आपका लोन भी अप्लाई हो जाएगा सब्सक्रिप्शन भी एक्स्ट्रा मिलेगी और दस हजार रुपए तक के फ्री यूपीएससी मटेरियल भी आपको मिलेगा ये सब अन अकेडमी आपके लिए लेकर के आए दोस्तों और सबसे बड़ी बात हर एक संडे को यानी अब जो संडे आने वाला है दोस्तों याद रखिएगा हर संडे को सुबह ग्यारह बजे अनअकेडमी के ऊपर होती है कॉम्बेट अन अकेडमी जिसमें आप पार्टिसिपेट लीजिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट कर पाएंगे अगर मेरा रेफर कोड आशीष मलिक यूज करके करेंगे तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और अगर आप जीतते हो जो टॉपर्स है उनके लिए इनाम यहाँ रखे गए हैं यानी कि जिसकी रैंक वन टू तो थ्री आएगी उसके सब्सक्रिप्शन का ऑफर है और बाकी अलग अलग स्कॉलरशिप आपको दी जाएंगे तो दोस्तों बहुत कुछ आपके आपको आपको जीतने के लिए एंड आई एम श्योर यू विल लव ऑल एक्साइटिंग तो अभी के अभी अपने आप को रजिस्टर कीजिए अकेडमिक कॉम्बेक्ट में लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू मिलते हैं अगली वीडियो में तब तो तक के लिए घर पे रहें सुरक्षित रहें एंड टेक केयर गाइज